शहडोल में ही राहुल का हुआ भव्य स्वागत, वीडियो ने बना डाला नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। विधानसभा चुनाव के पहले राहुल गांधी शहडोल के व्योहारी में आम सभा को संबोधित करेंगे। जिला कांग्रेस कमेटी ने आम सभा को लेकर तैयारी पूरी कर ली है। राहुल गांधी की व्योहारी में आयोजित आम सभा को लेकर कांग्रेस में उत्साह देखने को मिल रहा है। उनकी ये सभा न केवल शहडोल जिले की बल्कि उमरिया, सतना, रीवा और सीधी जिले की विधानसभाओं में भी कांग्रेस को मजबूत करने की तैयारी में है। व्योहारी में 50 किलोमीटर के दायरे में इन चारों जिलों की विधानसभाओं की सीमा जुड़ी हुई है। इन जिलों से भी बड़ी संख्या में लोग राहुल गांधी को सुनने पहुंचेंगे। इसके साथ ही यहां के पदाधिकारी व कार्यकर्ता में भी राहुल गांधी का दौरा जान फूंकने का काम करेगा। उल्लेखनीय है कि राहुल गांधी 10 अक्टूबर को व्योहारी आएंगे। उनके साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ सहित अन्य कांग्रेस नेता मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी व्योहारी में आम सभा को संबोधित करेंगे। इसे लेकर जिला कांग्रेस कमेटी तैयारी में जुटी है। मंच के साथ अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी हो चुकी हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की नज़र पूरी तैयारियों पर लगी हुई है। राहुल गांधी 10 अक्टूबर को व्योहारी आएंगे। वह जबलपुर की बजाय सतना में उतरेंगे और वहां से हेलीकॉप्टर से व्योहारी पहुंचेंगे। दोनों ही राजनीतिक दलों की निगाहें विंध्य की सीटों पर टिकी हुई हैं। राजनीति के जानकार राहुल गांधी के सतना से व्यवहारी आगमन को लेकर कहीं न कहीं विंध्य की विधानसभा सीटों को प्रभावित करने के नजरिए से देख रहे हैं। जिला कांग्रेस कमेटी शहडोल के जिला अध्यक्ष सुभाष गुप्ता ने बताया है कि 10 अक्टूबर को कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के व्यवहारी आगमन को लेकर तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। शहडोल जिले के साथ ही उमरिया, अनूपपुर, रीवा, सीधी, सतना, कटनी, जबलपुर एवं अन्य जिलों से भी कार्यकर्ता राहुल गांधी की सभा में शामिल होंगे। राहुल गांधी के कार्यक्रम की तैयारी को लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह, पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल, प्रदेश सह प्रभारी संजय कपूर, जिलाध्यक्ष सुभाष गुप्ता व जिला संगठन प्रभारी अजय अवस्थी ने कार्यक्रम स्थल का मुआयना कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस खबर को देखकर आप क्या सोचते और समझते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।